साथ लाइन पे मौजूद है एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा आपसे सवाल है कि मेरे ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स का बहुत ज़्यादा इशू है कि मतलब मेरे पोर्स ओपन हैं और उसमें फिर मुझे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और फिर वो मुझे निकलवाने पड़ते हैं। तो इसके लिए मुझे कोई आप बताएं कि मेरे ये पोर्स जो हैं ये परमानेंट बंद हो जाएं या इनका कोई मुझे सोलूशन मिल जाए, मुझे बार बार ब्लैक हेड्स ना निकलवाने पड़े। ओके, सो अगेन ओपन पोर्स, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स जो हैं वो ऑयली स्किन की कंडीशन है। तो आज कुछ सवालात जो हैं वो ऑयली स्किन के हवाले से ही आ रहे हैं। बिल्कुल। सो आपने देखा है कि बच्चियां जो होती हैं वो अक्सर नाखून से दबा दबा के जी वो निकाल रही होती हैं, ब्लैक हेड्स रिमूव कर रही होती हैं और उसके बाद फिर वो निशान भी रह जाते हैं। सो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स में फ़र्क होता है। ब्लैक हेड्स वो होते हैं कि जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो निकलते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा काला होता है और अंदर सफ़ेद सी कोई चीज़ निकलती है। वाइट हेड्स वो होते हैं जो कि अमूमन आँखों के बिल्कुल स्किन के साथ साथ होते हैं या आँखों के ऊपर भी आ जाते हैं, या जब किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, पिंपल्स वगैरह होते हैं तो वो सफ़ेद से जो होते हैं वो पिंपल्स होते हैं, लेकिन उसको हम दबा के निकाल नहीं सकते, बंद होता है उसके उसके ऊपर एक छोटी सी झिल्ली सी होती है, मेम्ब्रेन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट नीड्स टू बी रिमूव बाय अ थेरेपिस्ट और बाय अ डॉक्टर। प्लीज़ उसको उसके साथ कोई पंगा ना करें। लेकिन जो वाइट जो आपके ब्लैक हेड्स वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए पहले स्किन का सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप स्टीम लेना चाहें, आप महीने में एक दफ़ा फेशियल ज़रूर लें ताकि एक आपको एक प्रोफेशनल के साथ जो है वो आपको तरीक़े कार वो बताते हैं। घर में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने टावल से उसको सॉफ्ट करना होता है, गर्म पानी में आपने टावल का डिप करके और फिर गर्म गर्म मुंह पे नहीं लगा लेना, मतलब इतना। वैसे तो गर्म पानी चेहरे को साफ करने के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ब्यूटिशियन को अक्सर मैंने ड्राइनेस से क्योंकि ज़्यादा हो जाती है इसलिए हमेशा नीम गर्म पानी होता है, लेकिन भाप जो है स्टीम जैसे हम कहते हैं वो उससे आपकी स्किन सॉफ्ट होती है। अच्छा, लोगों के जहन में ये भी होता है कि अगर मैंने स्टीम लिया तो मेरे पोर्स ओपन हो जाएंगे। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमारी स्किन पे पोर्स बनाए ही इसीलिए कि वो ब्रीथ करती है उससे, और जब उसके ऊपर गंदगी आ जाती है तो वो आप पोर्स को बंद कर देते हैं जिसकी वजह से ऑयलीनेस या और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इवन आप जब मेकअप करते हैं तो आपकी पोर्स बंद हो जाती हैं, तो आपको कहते हैं ना कि आप मेकअप रिमूव करें हर सूरत में ताकि वो पोर्स जो हैं वो ओपन हो और वो भी सांस लें, हमारी पूरी बॉडी जो है वो सांस लेने के काबिल हो। एग्जैक्टली। और रात को इसीलिए हम कहते हैं कि जी अपना चेहरा साफ करके आप सोएं ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छी तरह से ब्रीथ कर सके। सो ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए प्लीज दबा दबा के और उनके साथ मतलब वो ना करें, अपने मुंह के साथ जुल्म ना करें। हाँ, जुल्म ना करें, मतलब इसका एक ट्रॉमा है जो कि आपकी स्किन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो सकते हैं। ऑयली स्किन की ये एक कंडीशन है। चेहरे को साफ रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑयली स्किन के इस्तेमाल करें। जब आप ब्लैक हेड्स रिमूव करना चाहते हैं बेहतर तो ये होता है कि आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट या एस्थेटिशियन के पास जाएं और अपना फेशियल महीने में एक दफ़ा कराएं। ये भी सवाल आता है कि मैं कौन सी उम्र से फेशियल कराना शुरू करूं? आपको महसूस होता है आपकी स्किन जो है वो गंदी हो रही है या उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको ठीक करना चाहे, वो आपकी ग्रूमिंग का हिस्सा है। मुझे लगता है कि आप शीशे के सामने खड़े हो कि अपने आप को इस एंगल से ही ना देखते रहें कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, इस एंगल से देखेंगे क्या चीजें हैं जिनको बेहतर होने की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि काफी मसाइल हल हो जाएंगे। जी, हमारे अगले कॉलर से बात करवा दें हमारी। जी बिल्कुल, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है अगली कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फातिमा फयाज है और मैं ग्रेजुएट की स्टूडेंट हूँ। मेरा मैम मुसरत मिसबा से ये सवाल है कि जब लड़कियों का रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उन्हें किस हद तक तैयार होना चाहिए? थैंक यू। ये बड़ा एक क्यूट सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि किसी बच्ची को कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं ऐसे कि उसने इस तरह से सवाल किया है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी तो मेकअप के हवाले से आप बता देंगी, लेकिन मैं पहले ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंटेबल होनी चाहिए वो उनकी मॉडेस्टी होनी चाहिए, उनके अंदर एक मॉडेस्टी नज़र आनी चाहिए।
और उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मॉडेस्टी और कॉन्फिडेंस का एक कॉम्बिनेशन है जो आपको सबसे खूबसूरत बनाता है। उसके साथ आप वो जैसे रिश्ते आते थे ना, तो पहले वो कहते थे कि भाई खूबसूरत और खूबसीरत, तो वो जो सीरत है उसके ऊपर आप लोग तवज्जो दें और खूबसूरती के ऊपर मैं आपको बता दूं। सो अगेन एनी गर्ल एनी वुमन जिस जो अपने प्रपोजल की वजह से उनको लोगों से मिलना पड़ता है, और आजकल के ज़माने में तो बच्चियां जो हैं वो बाकायदा माँ बाप जो हैं वो उनको कहते हैं कि आप यू नो प्रेजेंटेबल होकर आइए, क्योंकि आपकी शख्सियत जो है वो उस वक्त नज़र आती है। ठीक है, और जहाँ आपने कहा कि भाई वो आप मॉडेस्ट हों, आप हम्बल हों, आप पोलाइट हों, ये सारी चीज़ें तो काउंट करती हैं, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें जी आके सर झाड़ मुंह फाड़ तेल चिपोड़ा हुआ है आपने और आप आके चाय दे रही हैं हाथ हिलाते हुए, तो ऐसा नहीं कोई जो है ना वो आजकल का जमाना है। सो इसलिए ये मेरा ख्याल है अगर आप रिश्ता नहीं करवाना चाहती तो आपको ये सारे टोटके इस्तेमाल करने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट, आपकी मॉडेस्टी, आपका पोलाइटनेस, आपकी हम्बलनेस, ये सब आपकी तरबियत का हिस्सा होता है और जो आने वाला यकीनन अप्रिशिएट भी करेगा और पसंद भी करेगा। अपने चेहरे के ऊपर आपने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर मौका होता है उसके हिसाब से हम तैयार होते हैं। अगर आप खुदा न खास्ता किसी के मैयत में जा रहे हैं तो उस वक्त आप बहुत मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, या आप अगर किसी मिलाद में जा रहे होते हैं तो आपका एक अच्छा प्यारा सा होता है बावकार, हाँ तरीक़ाकार होता है। हाँ आप किसी की शादी में जा रहे हो, आप अपने दोस्त की ढोलकी में जा रहे हो, तो वो एक नया मतलब एक इवेंट है जिसमें आपको अच्छा लगना होता है और आपका दिल भी चाहता है। सो इस तरह के मौके में जहाँ पर आप आपका रिश्ता आ रहा है और लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो आपका फ्रेश नज़र आना अच्छा नज़र आना चाहिए। आपके चेहरे के ऊपर हल्का सा आपने कुछ भी लगाया हो लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके आपके जो फीचर्स हैं वो मेकअप एनहेंस करता है। मेकअप इज़ बेसिकली एन ऑप्टिकल इल्यूजन, हम क्रिएट करते हैं। अगर मुझे पता हो कि मेरी नाक मोटी है तो मैं यहाँ पर हल्का सा शेडिंग जब करती हूँ तो उससे मेरी नाक एक इल्यूजन जो होता है पतली नाक का, या अगर डबल चिन होती है तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, ओ भाई ये कोई दाढ़ी है आप यहाँ लगाइए, क्योंकि ये चीज़ जो होती है इसको डबल चिन कहते हैं, तो वो शेडो बनता है। सो इट्स अबाउट लाइट्स एंड शेड्स जो मेकअप होता है। जब आप मेकअप करें तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए उस ख़ास मौके के लिए। आपके चीक्स जो हैं उसमें थोड़ा सा कलर ऐड हुआ हुआ हो, लिपस्टिक बहुत लाइट होनी चाहिए, कोई बिल्कुल ही रेड टमाटर की तरह लिपस्टिक लगा के ना बैठ जाए, बहुत बुरा लगेगा। एंड आपके बाल जो हैं वो खूबसूरती के साथ सिमटे होने चाहिए। अक्सर बच्चियां जो हैं वो अपने एक आंख पूरी छुपा लेती हैं और फिर वो ऐसे करके देखती हैं, मतलब हेलो एक्सक्यूज मी आप ऐसे ना करें, है ना, क्योंकि और वैसे भी बाल चेहरे के ऊपर जब आते हैं तो आपके फीचर्स तो छुप ही जाते हैं। मेरी अम्मा तो ये कहती हैं कि जिनके चेहरे के ऊपर बाल आते हैं वो फूहड़ होती हैं, तो ये अब बच्चियों को क्या पता कि फूहड़ क्या होता है, बताएं आप। नहीं फूहड़ हरगिज नहीं होती, ये कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं जिनकी बिना पर होता है। फूहड़ से मुराद ऐसे कार्टून है जो बहुत अच्छे तरीके से मामलात को ना डील करती हो। सिमटे में बाल होने चाहिए ताकि आपके चेहरे आपने आपने कर्ज निकालने, आप जरूर कर्ज निकालिए, लेकिन आपको अपने और आपके अटायर, आपका जो आपने कपड़े पहने होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इस वक्त के लिए। सो चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप होना चाहिए, जस्ट अ ग्लॉस में भी मस्कारा लगाइए, लाइनर लगा सकती हैं आप बारीक सा। आईब्रोज के ऊपर प्लीज़ ज़रूर तवज्जो दें और उसके बाद आपका बाल जो है वो सिमटे हुए होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, और इसमें अगर एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगी कि आप ये सब कुछ करें और उसके साथ साथ
आपके अंदर से ग्लो जो होगा ना वो आपकी पॉजिटिविटी होगी. अगर आप जो कुछ करने जा रही हैं उसके हवाले से मुतमईन हैं और ये सोच रही हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे जो कह रहे हैं मैं उसके हवाले से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ एक ऐसी फैमिली के सामने जो मुझे देखने के लिए आए हैं और अल्लाह मेरे लिए इसमें से खैर निकालेगा, तो यकीन कीजिए आपके चेहरे पर वो नेचुरल ग्लो होगा जो कि यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा. जी, थैंक यू सो मच मैम मुसर्रत, आपने बहुत अच्छे से हमारे देखने वालों को आंसर दिए और हमारे कॉलर्स को सेटिस्फाई किया. उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. और यहाँ पे आपको बताती चलती हूँ कि नेक्स्ट मंथ हम एक और प्रोग्राम करने चाह रहे हैं मैम के साथ, बल्कि हम सीरीज करना चाह रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स लेंगे, लाइक हेयर्स के अकॉर्डिंगली लेंगे, हम स्किन से रिलेटेड लेंगे और हम इस पे बकायदा प्रोग्राम्स करेंगे. तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताएं. जी, तो मुसर्रत हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप हमारी जो नई जनरेशन हमारे बच्चे हैं लड़कियां हैं उनको जो ग्रूमिंग के हवाले से मज़ीद रहनुमाई चाहिए होगी हम आपके सामने रखते रहेंगे. हम मंथली बेसिस पे आपको तकलीफ़ देते रहेंगे और हम आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि आप हमें ज़रूर टाइम दिया करेंगी. बच्चों याद रखें, मेरी आप बेटियां हैं बहुत, चूँकि मैं मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, पढ़ाती हूँ और साथ इस वक्त एक इदारे को एडमिनिस्ट्रेट भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी वो सारी बच्चियाँ मेरी बच्चियाँ हैं. तो ये प्रोग्राम मैं उन बच्चियों को हेल्प करने के लिए करती हूँ और ये जनरली भी सबके लिए है. तो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई बात ऐसी जो आपको लगे कि आपने जाननी है, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा. शुक्रिया मुसर्रत, और शुक्रिया. और ओके, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह.